तो ऐसा ही कुछ हाल देवघर का भी है। यहाँ पर भी स्थितियाँ काफी खराब हैं। चुटा में गांधी चौक का भी यही हाल है। यहाँ लोग प्रदूषण से परेशान हैं, जिससे कि गांधी जी की प्रतिमा भी गंदी हो गई। ऐसे में लोगों में कृषि मंत्री रणधीर सिंह पर भी इस ओर ध्यान न देने के लिए गुस्सा है। लोगों का कहना है कि गांधी जी की प्रतिमा सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ही साफ करवाई जाती है और बाकी दिन कोई देखने नहीं आता। में आज हम हैं चित्रा कोइलवरी में और यहाँ की एक ऐसी स्थिति बताते हैं कि ये है गांधी जी की वो मूर्ति। गांधी जी शायद इस मूर्ति को देखते तो आज बहुत रोते। ये स्थिति है चित्रा कोइलवरी के ठीक बीचों बीच गांधी चौक का और यहाँ पर गांधी जी का जो हाल है वो बेहाल है। अगर गौर से देखें तो इनके चेहरे को भी आप पहचान नहीं पाएंगे। बिना चश्मे के हैं, छतरी नहीं है, इनकी लाठी नहीं है, यानी पहले तो बनावट में दिक्कत आई लेकिन अब रख रखाव में भी वही दिक्कत देखी जा रही है। इसके पहले पूर्व स्पीकर झारखंड सरकार के शशांक शेखर भोक्ता भी यहीं से थे। अभी के जो कृषि मंत्री हैं रणधीर सिंह वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन गांधी जी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो गांधी जी की इस स्थिति को देखकर काफी दुखी हैं और शायद गांधी जी भी होते तो आज बड़े दुखी होते। हम सबसे पहले यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि गांधी जी की ये दुर्दशा क्यों हुई। बोले ना, ECL द्वारा बनाया गया था, SP माइंस द्वारा। प्रत्येक साल पहले जो अक्सर थे ईमानदार बढ़िया करते थे, लेकिन उसके बाद जितने भी मैनेजमेंट आते जा रहे हैं कोई इधर सूद नहीं लेता। सिर्फ 2 अक्टूबर को 5000 का बिल बना दिए, पचौड़ा करके काम करा लिए, उससे और कुछ नहीं। जब बार बार इन लोगों को कहा गया इनका चश्मा बदलिए, इनको एक खड़ा स्टेचू लगा दिए, शीशा में रखिए, शीशा में रखिए, लेकिन ईश्वर ध्यान नहीं देते हैं। और कोलियरी में करोड़ों करोड़ खर्च हो जाती है लेकिन ईश्वर मैनेजमेंट की ध्यान नहीं। बाकी चीज के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन है, गांधी जी के लिए पूरे एक साल में सिर्फ 2 दिन है पुचाड़ा करवा दिया जाता है, लेकिन बाकी जो दिन है उसमें गांधी जी बेहाल ही रहते हैं। यहाँ के और भी स्थानीय लोग हैं, कैसे क्या होना चाहिए था, इसमें क्या हो रहा है? मैं हम लोग चाहते हैं कि इसमें शीशा द्वारा गांधी जी को ढका जाए और आपका जाके चश्मा वगैरह जो है, जो रख रखाव है, जो वो अच्छी तरह से हो। लेकिन यहाँ थोड़ा डस्ट अधिक है, कोलियरी, चूंकि कोलियरी क्षेत्र है, यहाँ पर डस्ट अधिक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा वहाँ पानी का डेली छिड़काव भी नहीं हो रहा उस प्रकार जैसे हम लोग चाहते हैं, उस प्रकार डेली छिड़काव भी नहीं हो रहा, उस कारण ज्यादा धूल वगैरह जम जाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर है कि पानी का छिड़काव सड़कों के लिए जरूर होता है, गांधी जी के लिए फुर्सत नहीं है। जयंती या पुण्यतिथि आती है तो कुछ पैसे जरूर खर्च करके इनको लीपा पोती कर दी जाती है, बकायदा मालार्पण भी होता है, लेकिन बाकी दिन गांधी जी की सुध नहीं लिया। ये वो तमाम लोग हैं जिनमें रोष है कि गांधी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो बाकी 363 दिन नहीं मिल पाता है। गांधी जी के बारे में कुछ नहीं होता है, साल में एक दिन में खाली हम धोते हैं, कोई नहीं धोता है। हम धोते हैं और कोई नहीं धोता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसके सिवा कोई नहीं धोता, हम ही धोते हैं गांधी जी। कौन कहता है आपको धोने के लिए इसको? कोई नहीं, हम अपने मर्जी से करते हैं। क्यों करते हैं इसको? क्योंकि गांधी जी की दुर्दशा देख के चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे। गांधी जी बोलता ही बुढ़वा के क्या करेंगे। स्थानीय लोगों के पास एक दर्द है कि गांधी जी हैं, गांधी जी हैं तो गांधी जी को सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है इसलिए सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये तमाम लोग हैं जो दुखी हैं कि यहाँ नेता विधायक सभी हैं लेकिन गांधी जी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात होती है और दिए तले जो अंधेरा वाली बात है वो यहाँ पर देखने मिलती है। यहाँ पर और भी देखिए तमाम स्थानीय लोग हैं जिनको ये महसूस हो रहा है कि गांधी जी को सम्मान मिलना चाहिए। तो सम्मान की शुरुआत सबसे पहले स्वच्छता अभियान के बारे में बात करेंगे कि स्वच्छता अभियान भी चल रहा है लेकिन
जिस ब्रांड के वजह से ये स्वच्छता अभियान मोदी जी चला रहे हैं वो उस ब्रांड का ये हाल है। वी रिक्वेस्ट टू मीडिया, मीडिया को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो गांधी जी की दशा और दिशा बदलें, लेकिन स्थानीय लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, गांधी जी के प्रति अपने मन में सम्मान नहीं लाएंगे, गांधी जी की इस दशा और दिशा में परिवर्तन मुमकिन नहीं है। दीप नारायण, जी मीडिया, देवगढ़।